देवहूति जी आई, जानती है ये भगवान है कपिल मुनि, तो बड़े प्रेम से उनके चरणों में बैठ करके विनती कर रही हैं। कपिल मुनि कहते हैं, आप तो मेरी माता हैं, पर देखो महाराज, हम जानते हैं आप परमात्मा हैं, आज हम जो विनती करेंगे और आपको हमारी बातों का उत्तर देना होगा, हमारे मन में जो संदेह है, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको आज उत्तर देना होगा। आप ऊपर बैठेंगे, हम नीचे बैठेंगे, क्यों? जब तक वक्ता अपने से ऊपर नहीं बैठता, हम उसकी बात सुनते नहीं। वो अलग बात है कि ऊपर बैठने के बाद जब तक वक्ता श्रोता के लेवल में बात नहीं करेगा, तब तक श्रोता समझेगा नहीं। वो अलग बात है, पर बैठा तो वक्ता को ऊपर ही होगा। जब तक नीचे नहीं बैठेंगे, तब तक सुनने की भावना हमारे आपके अंदर जागृत नहीं होती। तो यहां देवबुद्ध जी ने प्रश्न किया, महाराज कैसे हमको जीव को आपकी प्राप्ति। अब ये सोचने वाली बात है, क्या देवहूति जी अपने लिए प्रश्न कर रही हैं क्या? संतों का स्वभाव होता है जगत का कल्याण, तभी तो हमारा उपनिषद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख मा भवेत्। तो महाराज, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कोई दुखी ना हो, यही तो हमारा उपनिषद कहता है। तो देवहूति जी को तो भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, ऑलरेडी उनके बेटे बने हुए बैठे सामने, अपने लिए प्रश्न नहीं है, हम आप सबके लिए प्रश्न है। तो उत्तर भी साहब देवहूति जी के लिए नहीं, हम आप सबके लिए है। ये ना सोचना कि अपनी माता को उत्तर दिया उनके लिए था, ये तो हम आप सबके कल्याण की बात है। भगवान कहते हैं, माता जी, व्यक्ति का जो मन है ना, यही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। एक व्यक्ति ने, कहिए प्रेम से, एक व्यक्ति ने खम्भे को पकड़ लिया, खम्भे को पकड़ के कहता है, भाई मुझे छुड़ाओ, ये खम्भा मुझे छोड़ नहीं रहा, एक खम्भे ने मुझे पकड़ रखा है। लोगों ने कहा, अरे भाई खम्भा कैसे तुम्हें पकड़ेगा, तुमने खम्भे को पकड़ रखा है। अरे देखो, खम्भे ने मुझे पकड़ रखा, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, ये इसे कहो मुझे छोड़े, मुझे छोड़े। अरे भाई, ये तो जड़ है, ये कैसे छोड़ेगा तुम्हें। अरे भाई, मुझे, मैं बंधन में हूं, मुझे छुड़ाओ इससे। एक बुद्धिमान व्यक्ति आए, दोनों हाथ लिए और हटा दिए, बंधन से मुक्त हो गया। बोले, भैया तुमको छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही थी। बोले, क्या? बोले, खम्भे ने तुम्हें नहीं पकड़ा था, तुमने खम्भे को पकड़ रखा था। ज्ञान हो गया, विवेक जागृत हो गया, समझदारी आ गई, समझ बढ़ गई। अब अरे वास्तव में हमने लोगों को पकड़ रखा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, तो हमने अपने आप ही खम्भे को पकड़ रखा है। जब समझदारी आ जाती है, तब क्या होता है, ना ये मेरा ना ये तेरा, ये सब प्रभु का। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलो भक्त बत्सल भगवान की। मन ने सोचा मेरा तो बंधन, मन ने सोचा प्रभु का तो मुक्ति। बोले माताजी, जीव का कल्याण, यदि जीव को अपना कल्याण कराना है, कल्याण जीव को अपना कराना है, तो उसे एक कर्म करना होगा। क्या? मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। बोले माताजी, उनको मेरी भक्ति करनी होगी। और कैसी भक्ति? अनन्य, कहिए प्रेम से। अनन्य का मतलब क्या? जहां अन्य ना, जहां कोई और नहीं। देखो, आप लोग ऐसी भक्ति देखते हो पर करते नहीं हो। आप लोग सोचेंगे, हमें देखा ही नहीं,
जाना ही नहीं। आप लोग जानते भी हो, आप लोग कर चुके हो और आप लोग करते हुए देखते हो मगर स्वयं नहीं कर पाते। आप लोग सोचेंगे ले जी हम लोगों ने कर रखी है तो फिर भूल कैसे गए। भाई जब करी थी जब आप बहुत छोटे थे, जब बड़े हो गए तो प्रपंच आ गया ना बुद्धि में तो वो छूट गया। और जो करते थे उसमें भी डिफरेंस है। वो जो करते थे वो हम क्या करते थे सोचिए। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपके घर की बात बता रहा हूं आपको। छोटा बच्चा आपका जब होता है और उससे कह दो ये तुम्हारे पापा नहीं मेरे पापा हैं, ये तुम्हारे पिता नहीं मेरे पिता हैं, तब क्या करता है वो? बोलो बोलो, रोता है ना, झगड़ता है ना, लड़ने लग जाता है। वो अपने पापा की बाहां पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, कहीं मेरे पापा इसके पास ना चले जाए। ऐसा होता है नहीं होता है? क्यों भाई? उसको बोलो ये तुम्हारे पापा नहीं ये तुम्हारे पापा है, तो बोलो ये तुम्हारी मम्मी नहीं ये तुम्हारी मम्मी, मानेगा क्या? क्यों? इसी को कहते अनन्य भाव से भक्ति करना। उसको बताओ ना ये तुम्हारे पापा नहीं, ये मानेगा नहीं कितना भी कह दो आप। हम लोग आप लोग भी बचपन में ऐसा ही कर चुके हैं, किंतु जैसे जैसे बड़े हुए प्रपंच बहुत सारी और बातें बढ़ती गई मन में, वो छूट गया। फिर तो एक से एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब संसार में थोड़ा बहुत जो भी कुछ हमारे संसार में जो प्रेम होता है ना, प्यार बोलते हैं, जैसे आजकल एक फैशन बन गया है आई लव यू, ये बोलने का ये फैशन है या नहीं पता नहीं है? और है भी तो केवल जिसको हमारा उपनिषद कहता है कूड़ा कबाड़ा प्रेम। हाँ, जिसमें भाई प्रेम का मतलब है, जहां आप प्रेम का मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप लोग प्रेम का स्वरूप? प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा पर जा जो रुचे शीश दे ले जा। प्रेम का मतलब क्या है, क्या समझते हैं स्वरूप प्रेम का? क्या ये स्वरूप है प्रेम का कि हमारे मन की करो तो प्रेम, हमारे मन की नहीं करो तो जाओ तुम अपने घर हम अपने घर? इकाई का प्रेम इसको कहते हैं कूड़ा कबाड़ा प्रेम। प्रेम तो वो है जो गोपियों ने कन्हैया के साथ किया। गोपियों का प्रेम कैसा? तत्सुख सुखित्वम। कन्हैया को जिस बात में आनंद लगता है वही कर्म करेंगे, वैसे ही रहेंगे, वही सोचेंगे, सब कुछ वैसा ही करेंगे जैसे कन्हैया को प्रिय। कन्हैया प्रसन्न होना चाहिए, हमारी प्रसन्नता उसी में है जिसमें कन्हैया प्रसन्न रहे। और संसारी प्राणी क्या है भाई, वैसा करो जिसमें हम प्रसन्न हैं। घर में आजकल क्यों टशन हो रही है? इसीलिए तो हो रही है, हम जैसा कहते वैसा ये करते नहीं। तो क्या है भैया, तुम अपने रूम में सो, अपने रूम में सो। बोलो राधे राधे। प्रेम, प्रेम में तो महाराज शीश का बलिदान भी दिया जाए, और उसके बाद भी यदि प्रेम मिले तब भी बहुत सस्ते में निपट गए आप, बहुत सस्ते में प्रेम मिल गया आपको। बहुत ऊंची वस्तु है प्रेम। संसार में तो प्रेम है ही नहीं, सब सिर्फ दिखावा ही दिखावा है। बहुत बड़ी बात बोल दी आप लोग, डरना मत, आप लोग करते होंगे अलग बात है प्रेम, पर जो हमारा उपनिषद कहता है, उपनिषद क्या कहता है दो पंक्तियों में समझिएगा। उपनिषद कहता है, बहुत भयंकर बात है, उपनिषद कहता है कि कोई व्यक्ति किसी को किसी के लिए प्रेम नहीं करता, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही प्रेम करता है। उसमें सब आ गए, शास्त्र की बात है, सत्य है। तो भैया यहां कपिल मुनि कहते हैं कि माताजी मई अनन्येन भावे भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। जो अनन्य भाव से, अनन्य मतलब बस मेरे तो गिरिधर गोपा दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपा दूसरो न कोई,
आशा के सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, अरे मैं रोपति सोई, जाके सिर मोर मुकुट, मीरो पति सोई, मे तो गिरिधर गोपा। करी कोई छाड़ दई कुल की का कहा कर है कोई, छाड़ दई कुल की का कहा कर है कोई, दासी मियाला गिरधर दासी मीरा लाल गिरधर, तारो मोही मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर तो महाराज मीराबाई ने कहा ये है अनन्य भाव, जहां अन्य ना बस एक। देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा पूज्यपाल श्री स्वामी राम सुदास जी महाराज का, बहुत अच्छी बात सिखाते थे सबको, एक ही बात कहते भैया जीवन बहुत निकल गया, अब ज्यादा प्रपंच में मत पड़ो, सृष्टि कैसी भई ने कौन उत्पत्ति हुई, पहले क्या आया, बाद में कौन रहेगा, प्रलय होगी तो क्या होगा, ये सब प्रपंच की बात तो मत पढ़ो। बोले क्या करें, बोले एक काम करो, आइए हम और आप भी करें, हाथ उठाइए सब लोग। स्वामी जी महाराज कहलवाते थे सबसे अपने प्रवचनों में, हे नाथ आप मेरे हो मैं आपका हूँ, हे नाथ आप मेरे हो मैं आपका हूँ, हे नाथ आप मेरे हो मैं आपका हूँ। वृंदावन विहारी लाल की, कपिल मुनि का यही उपदेश है, मुझे ही अपना मानो और मेरे लिए ही कर्म करो, संसारिक जो भी आपके ग्रह सूचित कर्म है सब मुझे अर्पित करते जाओ, मेरे लिए ही, मेरे लिए सोचो, भक्ति करो मेरी भक्ति। बोले माँ जब मेरी भक्ति कोई करेगा, भक्त अनन्य कछु नहीं मांगे, ताते मोहि सकुच अति लागे, हरि माया सब जग संतापे, ताको माया मोह न व्यापे। कपिल मुनि कहते हैं सूरदास बाबा की वाणी में सुनिए, कपिल मुनि क्या कहते हैं, बोले माता जी जब व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मुझसे कुछ नहीं मांगता, तब मुझे संकोच हो जाता है, इसे मैं क्या दूं। भाई जिसने कुछ मांगा उसे दे दिया, छुट्टी हो गई, वो अपने घर मैं अपने घर, पर जो मांगता नहीं है उसके सामने जाके मैं खड़ा हो जाऊं क्या दूं उसे, ये सोच में पड़ जाता हूं। फिर क्या होता है, फिर तो महाराज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि वासुच, गीता में जो भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। योगक्षेम का मतलब क्या है, उसका मतलब है जो है उसकी रक्षा करना और जो नहीं है वो लाकर देना। बहुत सिंपल वे में समझिए, योगक्षेम का मतलब है जो है उसकी रक्षा करना, जो नहीं है वो लाकर देना। फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है,
जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। निष्कामी वैकुंठ सिधावे, जन्म मरण ति बहुरि न आवे, याही समुझ जो रहे लब लाई, सूर बसे वृंदावन जाई, सूर बसे वृंदावन जाई। ए माता, जो मेरी भक्ति करता है और मुझे ही चाहता है, मुझसे कुछ और नहीं मांगता, ऐसा व्यक्ति मेरे वृंदावन में रहता है, मेरे निज निज धाम में निवास करता है।